जिन्होंने अपनी जिंदगी को अल्लाह और रसूल के नाम पर लगाया हो, तो लोग आज उनके नाम को याद करते हैं। आज हमें अपने दादा से परदादाओं से आगे किसी का नाम याद नहीं है, लेकिन 980 साल गुजरने के बावजूद भी दादा साहब रहमतुल्लाह का नाम याद है, उनका कलाम याद है, उनके अखलाक याद है और उनकी जिंदगी के शब रोज हमें याद है। वजह यह है कि उन्होंने अपनी जिंदगी को अल्लाह और रसूल के नाम लगा दिया था। तो अगर हम भी चाहते हैं कि हमारा नाम रहे, तो सिर्फ ये नहीं कि हमारे बच्चे हो तो हमारा नाम चलेगा, जब तुम अल्लाह और रसूल के नाम अपनी जिंदगी को लगा दोगे, अल्लाह तुम्हारे नाम को भी जिंदा जावेद कर देगा। अल्लाह फरमाता है कि जो मेरा बन जाता है, फिर मैं उसकी जुबान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसके पांव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। तकरीम अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया, जब कोई बंदा अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करता है, फिर अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को अपना महबूब बना लेता है। जब अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को अपना महबूब बनाता है, तो अल्लाह जिब्रील को बुलाता है, जिब्रील मैं इस बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत किया कर। जिब्रील फिर उस बंदे से मोहब्बत करता है। तकरीम अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने शाह फरमाया, जिब्रील अब आसमान वालों में ऐलान कर दे कि आसमान वालों, अल्लाह भी इस बंदे से मोहब्बत करता है, मैं जिब्रील भी ऐसे मोहब्बत करता हूँ, आसमान वाले तुम भी इस बंदे से मोहब्बत शुरू कर दो। मैं आसमान वाले इस बंदे से मोहब्बत शुरू कर देते हैं, फिर जमीन पर ऐलान होता है, ऐ जमीन वालों, अल्लाह भी फलाह बंदे से मोहब्बत करता है, जिब्रील भी ऐसे मोहब्बत करता है, आसमान वाले भी ऐसे मोहब्बत करते हैं, जमीन वालों तुम भी इस बंदे से मोहब्बत शुरू कर दो। फिर जमीन वालों के दिलों के अंदर उस बंदे की मोहब्बत डाल दी जाती है। फिर लोग कभी दादा साहब जा रहे थे, कभी बाबा साहब जा रहे थे, कभी सुल्तान बाहू जा रहे होते हैं, तो कभी बाबा फरीद रहमतुल्लाह के दरबार पे जाते हैं, कभी ख्वाजा गुलाम फरीद के दरबार पे जाते हैं। क्यों जाते हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों के दिलों को उनकी तरफ मोड़ दिया होता है। तेरे सौ सौ नाग उठा देगी दुनिया, तेरे सौ सौ नाग उठा देगी दुनिया, बन जा खिदमतगार मदीने वाले का। जब तो मदीने वाले का खिदमतगार बन जाएगा, तो फिर लोग तुझे कैसे अपने हाथों में उठाते हैं, कैसे तेरी इज्जत को तकरीम करते हैं। बंदे की इज्जत अल्लाह तबारक व तआला के दीन पर अमल करने के अंदर है। इन लोगों ने अपनी जिंदगी को दीन इस्लाम के मुताबिक गुजारा है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों के दिलों को दीन की तरफ मोड़ दिया है।